है ना, मस्त सिकी है, हर तरफ से मैंने इसको सेका है, कहीं से भी नहीं छोड़ा, किनारे विनारे इसके हर जगह से इस तरह से उलट पुलट के मैंने सब जगह से अच्छे से सेका है कि ये कच्ची ना रहे। और बस इसको अब हम करेंगे घी में डिप और उसके बाद खाएंगे दाल के साथ। तो चलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, ये मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ ठंडा ही, क्योंकि आजकल हम लोग ना चाय नहीं पीते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है दिल्ली में। तो हम लोग सोचते हैं कभी कभी लस्सी बना लेते हैं, कभी ठंडाई, कभी नींबू पानी, तो इस तरह से हम लोग मॉर्निंग में बना के पी लेते हैं। तो यहाँ आज मैं ठंडा ही बना रही हूँ, उसके लिए मैंने ठंडाई डाली है 2 गिलास दूध में, 2 चम्मच ठंडाई डाली थी और चीनी डाली थी थोड़ी सी और आइस क्यूब डाले हैं। और बस इसको हम थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए मैंने दूध में ठंडाई को रहने दिया था, जिससे अच्छे से सारे फ्लेवर दूध में ऐड हो जाएंगे। और ये ठंडाई की रेसिपी मैंने शुरांजलि की रसोई पे आपके साथ शेयर की है, आप देख लेना कैसे मैंने बनाई थी। और बस ये ठंडाई को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और इतनी क्रीमी क्रीमी ये ठंडाई बनी है, आइस क्यूब्स डालने से, ठंडा ठंडा दूध डालने से बहुत अच्छे से इसमें झाग आता है। तो बस ये हमारी ठंडाई रेडी हो चुकी है और अभी हो रहा है आफ्टर का टाइम। तो यहाँ पे ये सारे डोरमेट ना बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनको आज मैं क्लीन कर ही देती हूँ, क्योंकि वेडनेसडे था और फिर थर्सडे को हम लोग कपड़े धोते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आज ही धो करके डाल दिए थे और दूसरे दिन पानी भी आना था, तो सोचा कि चलो ये काम जो है निपट ही जाएगा, मुझे कपड़े नहीं धोने थे ज़्यादा। तो आज मैंने शॉर्ट वाली बालकनी में यहाँ पे धोने के लिए बैठ गई हूँ, ये बेडरूम के बाहर जो बालकनी बनी हुई है ना वही है, और यहाँ पे बैठ गई हूँ आराम से अपने। और ये गए हैं मैच खेलने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो सारे काम अपने जो निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर मुझे डिनर वगैरह भी रेडी करना है। और इवनिंग के सारे काम करते करते मतलब घर की झाड़ू निकाली और ये सारे डोरमेट वगैरह धुले, बर्तन वगैरह क्लीन किए लंच के, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी, फिर मेरा ना शावर लेने का मन कर गया था। तो बस अपने मैं शावर लेके आ चुकी हूँ, सनस्क्रीन लगाई है और अपने फेस पे एलोवेरा जेल लगाऊंगी, लिपस्टिक लगाऊंगी, बिंदी लगाऊंगी और सिंदूर लगाऊंगी। तो बस यही मेरा डेली का छोटू मोटू सा मेकअप रहता है जो कि मैं डेली करती हूँ। तो बस यहाँ पर पहले रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आई एम रेडी। मैंने काजल वगैरह नहीं लगाया है क्योंकि गर्मियों में क्या होता है ना, काजल यहाँ फैल जाता है, फिर वो काली काली आंखें लगती हैं तो अच्छी नहीं लगती हैं। तो मेरे पास ना कमेंट आया था कि दीदी आप अपने क्लेचर दिखाइएगा, मास्क लगा हुआ है यहाँ पे टंगा हुआ है। तो मेरे पास ना इतने क्लेचर मुझे दिख रहे हैं और कुछ मेरे पता नहीं कहाँ डले होंगे, मुझे याद भी नहीं है, और एक मैंने लगा के रखा है। तो ये देखो मेरे पास एक ये है बनाना क्लेचर जिसे बोलते हैं छोटा वाला, और एक ये है, और ये तो सेम है पूरा, एक पैकेट था मेरे पास, एक किस्म का मैंने ये लगाया है। और ये 6 पीस थे, 4 ही दिख रहे हैं, 2 पता नहीं कहाँ हैं, और ये भी मुझे 2 ही दिख रहे हैं, 2 और है इस तरह से, मैं सदर से लेके आई थी वाले क्लचर, ये देखिए, और एक ये है। तो अभी कुछ क्लचर मुझे दिख नहीं रहे हैं अभी फ़िलहाल, इतने ही दिखे, तो सोचा आपको दिखाई देती हूँ, लगे हाथ फिर मैं भूल जाती हूँ हर चीज़ को। तो इवनिंग का टाइम हो गया है और मैं जा रही हूँ किचन में प्रस्थान करने के लिए, सोच रही हूँ कुछ बना लूँ। अब इतने सारे काम मैंने किए, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, अभी गर्मियों में क्या हो रहा है ना, थोड़ी सी पंखे की आपको नॉइस आ रही होगी, सॉरी उसके लिए। अभी क्या हो रहा है ना, मैं 2 से 3 बार नहा लेती हूँ, मैंने मॉर्निंग में आज मैंने जल्दी नहा लिया था मॉर्निंग में, क्योंकि लाइट नहीं थी और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने नहा लिया सबसे पहले, उसके बाद सारे काम किए थे, मतलब झाड़ू वगैरह तो लगा ली थी घर की, लेकिन बाकी के सारे काम मैंने बाद में किए थे। और फिर मुझे अभी ना बहुत गर्मी लगने लगी, मेरे को ना डोरमेट वगैरह साफ़ करने थे, मतलब धोने थे, बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, बहुत दिन से सोच रही थी मशीन में इसलिए नहीं डाले मैंने, क्योंकि मशीन पर बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, मैंने सोचा हाथों से धो के डाल देती हूँ, जल्दी धुल जाते हैं, तो मैंने डाल दिए हैं। और जस्ट अभी नहा के आई तो इतनी शांति मिल रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और पानी मैंने पहले ही भर के रख देती हूँ, 2-3 बाल्टी है, ये देखो आपको यहाँ दिख रही होगी ना, एक और बाल्टी मैंने भर के रखी है इनके लिए, और एक वॉशरूम में और रखी है भर के, क्योंकि ऊपर से तो इतना गर्म पानी निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम सर्दियों में गीज़र के पानी से नहा रहे हों। गीज़र का पानी भी क्या थोड़ी देर में ही गर्म होता है, लेकिन ये तो आपको ऑल टाइम गर्म दिखेगा, रात को दिन को जब मर्जी चाहो तब गर्म पानी लो नल में से, तो ऐसा हो रहा है।
तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ तो चलो फिर चलते हैं किचन में, मैं नहा ली हूँ, एक बार और नहाऊंगी सोते टाइम पे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। खाना वगैरह बनाऊंगी ना, तो खाना बनाने में जो स्वेटिंग होगी ना, तो पूरी हालत फिर से वैसी हो जानी है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले अभी नहा ही लेती हूँ, फिर रात को एक बार और नहा लूँगी और नाइट सूट पहन लूँगी। तो सुबह से मैंने लोअर टी शर्ट पहनी हुई थी, फिर अच्छा नहीं लगता ना यार ऑल टाइम लोअर टी शर्ट में रहो। मैंने कंघी भी नहीं की थी सुबह से यार, इतनी गर्मी लग रही थी, बस नहा धो के ऐसे बन बना के पूरा काम करती रहती हूँ घर में भूत की तरह। तो सोचा कि चलो अभी थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा और अभी मेरे पति देव को भी अच्छा लगेगा कि चलो तैयार तो हुई किसी बहाने, नहीं तो गर्मियों में तो मैं तैयार भी नहीं होती बिल्कुल भी। तो चलो फिर चलते हैं किचन में, आज मैं क्या बना रही हूँ पता है, सोच तो रही हूँ अभी, चलते हैं किचन में बनाते हैं फिर। आज मैं बना रही हूँ दाल बाटी चूरमा, जी हाँ मेरा फेवरेट है दाल बाटी चूरमा, मुझे बहुत पसंद है दाल बाटी चूरमा सच में। वैसे दाल बाटी तो मैं बना ही लेती हूँ कभी ना कभी, लेकिन चूरमा आज बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत बार बनाया है चूरमा मैंने, लेकिन बहुत दिन से खाया नहीं है और सोचा कि दाल बाटी बना रही हूँ तो थोड़ा सा चूरमा बनाने में कितना टाइम लगता है वो भी बना डालेंगे। चलो गर्मी पड़ रही है तो क्या हुआ। अच्छा आप सब लोग ना मुझे एक चीज़ बताना, मैं आपको क्या बता रही हूँ, हाँ मुझसे ना दो दिन से ना मतलब कांच टूट रहा है, तो वो कांच का टूटना अच्छा होता है या बुरा होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना प्लीज़। ये देखो कल क्या हुआ, मैं दीपक लगाने गई थी तुलसा जी पे, तो मैंने सोचा कि चलो टॉवल भी लेते हुए चलती हूँ अंदर, तो टॉवल के चक्कर में जिसमें मैं अपने बाती रखती थी ना वो कांच की थी बॉटल, तो वो टूट गई, गिर गई, तो फिर वो टूट गई है। और आज सुबह क्या हुआ, मैंने अभी आपको दिखाया था ना मॉर्निंग में एक क्लिप बनाई थी मैंने, ठंडाई बनाई थी, तो वो ठंडाई के चक्कर में ये गिलास नीचे नहीं गिरा। क्या हुआ, मैंने दोनों ग्लास को, या हम बर्तन ना साफ करके तो रखते हैं लेकिन फिर भी ना कोई भी चीज़ को सर्व करने से पहले एक बार मैं धोती जरूर हूँ, तो मैंने ना इनको धोया था और धोने के बाद मैंने दोनों को ऐसे झटकाया तो दोनों ग्लास ना एक दूसरे से टच हो गए, हल्का सा टच हुए थे और उतने में ये ग्लास टूट गया। बहुत ही हल्का ग्लास है ये, आप इसका कांच दे सकते हो, बहुत ही हल्का है लेकिन ये टूट गया, वो दूसरा वाला सही है। तो ये दो दिन से ना मुझसे कांच ही कांच टूट रहा है, पता नहीं क्यों, तो जरूर बताएगा कि कांच का टूटना शुभ होता है या अशुभ होता है। मैं ना सुबह से बड़ी दुविधा में हूँ, सोच जा रही हूँ। चलो बनाते हैं भाई दाल बाटी चूरमा, और बाटी मैं कैसे बनाऊंगी, ना मेरे पास माइक्रोवेव है ना मेरे पास ओवन है, ओवन तो मैं चाहूँ तो यूं ले लूँ, ओवन आता है दाल बाटी का मजाक कर रही हूँ यार, लेकिन ना मैं इसलिए नहीं ले पाती, अगर मैं ले भी लूंगी ना तो ये वाली जो गैस है ना उसका घेर ना बहुत बड़ा होता है कि यहाँ पे आएगा उसका घेर, इस पे नहीं आएगा ओवन का, तो अगर मैं ओवन ले लूंगी ना तो उसका घेर यहाँ पे आएगा और जब वो हीट होगा गर्म होगा बाटी उसमें सिकेगी, तो हीट होते 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 मैंने कई लोगों को देखा मतलब गैस ना उनकी चटक जाती है। तो अभी तक मेरा ट्राईपॉड नहीं आया है, मैं सेल्फी स्टिक से ही कर रही हूँ इसलिए इसको ऊपर नीचे कर सकती हूँ। तो मेरा ट्राईपॉड जो है मैंने ऑनलाइन मंगवाया है और आ जाएगा कल या परसों तक आ जाएगा वो, तो पैक तो हो चुका है, मेरे पास मैसेज आया था, तो इसलिए मैं ओवन नहीं ले रही। तो आज मैं बाटी बना रही हूँ, बाटी मुझे बहुत पसंद है, मैं चाहूँ ना तो दो या तीन दिन में डेली बाटी बना के खाऊँ, लेकिन क्या हो ना ओवन नहीं है यार, कढ़ाई में कुकर में बनाती हूँ तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है उनमें बनाने में। तो वैसे तो राजस्थान में उसको उस पर बनाते हैं, जैसे मैंने आपको लिट्टी का बताया था ना, वो गोबर के कंडे होते हैं ना उसकी आगे पर, चूल्हे की आगे पर बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनती है बाटी, लेकिन मैं आज कढ़ाई में बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ या फिर बाफले बना लूँगी। बाफले बनाना बहुत ईजी है, बाफले के लिए कुछ नहीं करना, आपको फ्राई करने होते हैं, आप फ्राई कर लो बेक कर लो जो चाहे वो कर लो। तो मैंने ना यहाँ पे आटा निकाल लिया है, तो मैं आपको बता देती हूँ चूरमा के लड्डू बनाने के लिए, अगर आपके पास जो दलिया का आटा होता है ना, दलिया पिसवाते हैं उसमें से जो मोटा आटा निकलता है ना उसके लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं, अगर वो आटा नहीं है तो मैंने क्या किया, मेरे पास नहीं है जैसे, तो मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया, एक कप आटा लिया है और दो से तीन चम्मच मैंने इसमें सूजी ऐड कर दी है, तो थोड़ा सा ही मोटा हो जाएगा, और इसमें डालेंगे आधा कटोरी घी मोयन के लिए, उसके बाद फिर इसका एक सख्त डो लगा के तैयार करेंगे। तो चूरमा के लड्डू को बहुत से लोग मुट्ठी मुठिया जो बोलते हैं, जैसे लोई बना के उसकी ऐसी मुठिया बना के उसको आप डीप फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ उसको, और मैं पराठे बना करके या फिर आप पूड़ी बना करके भी उसका चूरमा बना सकते हो। तो चलो फिर बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा और थोड़ी सी सूजी ली है और इसमें डालेंगे आधा कटोरी के करीब मैंने इसमें घी डाला है, मतलब अच्छे से मोइन डालना है आपको, तभी जो चूरमा के लड्डू है जो हम पराठे बनाएंगे या मुट्ठी आप जो भी कुछ बनाना चाहें वो बना सकते हो इस आटे से, अच्छे से खस्ता बनती है, तो मैंने मोइन अच्छे से डाल दिया है। तो ये देखो ये ना इतना मोइन डालना है आपको कि ये देखो ये इस तरह से मुट्ठी बन रही है ना, बस इतना बन जाना चाहिए, तो अच्छे से मैंने इसमें मोइन डाला है आधे कटोरी,
और इसका एक सख्त डोट बना के तैयार कर लेंगे। और उसके बाद इसके मैं बनाऊंगी पराठे। तो इस तरह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ट्राईपॉड नहीं है ना, इसलिए हाथ में लेके आपको बताना पड़ रहा है मुझे। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपको पानी डालना है आटे में, और इसका सख्त डो, मतलब जैसे हम पूरी का डो लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको इसका डो लगा के तैयार करना है। और गीला मत कर दीजिएगा, थोड़ा सा टाइट ही रखना है आपको। तो ये जो हम इसमें मोयन डालते हैं ना, उसकी वजह से ना आटा बिल्कुल भी चिपकता नहीं है बर्तन में। तो अभी आप देखना, बर्तन भी एकदम क्लीन रहेगा और आटा भी हमारा लग के तैयार हो जाएगा। तो आटा लगा के मैंने रख दिया है। यहाँ पे थोड़े से मैंने काजू, थोड़े से बादाम निकाले हैं जो कि चूरमा में अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, और नहीं भी डालना है तो बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हो। तो यहाँ पे थोड़े से काजू बादाम जो है बारीक बारीक मैं काट लेती हूँ। तो जब तक मैंने ड्राई फ्रूट्स कट किए, तब तक आटा अच्छे से सेट हो चुका है। इसकी बड़ी बड़ी लोई लेनी है और बिना परोथन के आपको इसको बेलना है। ये चिपकता नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारा मोयन डाला है। और इस तरह से बड़ी बड़ी मोटी मोटी या फिर पतली पतली, जैसी भी आपको रोटी बनानी है उस तरह से आप बना सकते हो। तो मैंने 4 रोटी बना के तैयार की है, आप देख सकते हो। और आप इसकी सेप की चिंता मत कीजिएगा कि फटी बन रही है या किनारे फट रहे हैं या कुछ भी है, क्योंकि इसको हमें सेकना है और इसके बाद हमको इसका चूरा बनाना है, मतलब ग्राइंड करना है मिक्सर जार में डाल के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पराठे की तरह मैंने इसको अच्छे से प्रेस करते हुए सेक लेंगे इसको मीडियम फ्लेम पर, और इस तरह से इसको थोड़ा सा फोल्ड करके एक बर्तन में निकाल देंगे। तो सारे के सारे मैं इस तरह से सेक लेती हूँ। तो मैंने सारे पराठे बना लिए हैं, और अब हमको क्या करना है, हाथों से इस तरह से चूर चूर करना है, और उसके बाद मोटे मोटे टुकड़ों में ही, और उसके बाद मैं इसे मिक्सर जार में डाल के एक बार ग्राइंड कर लूँगी, तो उससे ना ये बारीक हो जाएगा। चलिए फिर इसको थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ, और इसको इस तरह से बहुत ही जल्दी हो जाता है क्योंकि बहुत खस्ता है, इसमें हमने मोयन डाला है ना इसलिए। तो ये देखिए, तो बहुत ज़्यादा गर्म था, मैंने हाथों से ठंडा करके इसको तोड़ लिया है मोटा मोटा, और इसको डाल देंगे मिक्सर जार में और इसको एक फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो ध्यान रखें पूरा ठंडा कर लें, उसके बाद ही इसको ग्राइंड करें। और इसको आप देख सकते हैं मैंने पहले ग्राइंड कर लिया था और फिर वापस से इसी में ऑयल डाल दिया, ये कम हो गया था। उसके बाद पूरा का पूरा डाल के मैंने इसको अच्छे से बारीक पीस लिया है। आप चाहे तो पीसने के बाद छान भी सकते हो, लेकिन मेरा बहुत अच्छे से बारीक हो गया था इसलिए मैंने नहीं छाना। यहाँ कढ़ाई में मैंने घी रखा है 2 से 3 चम्मच, और इसमें ये हम अपना ग्राइंड किया हुआ ये चूरमा डाल देंगे जो कि हमने अभी बना के तैयार किया। आप देख सकते हो कितना फाइन ये अच्छे से, क्योंकि हल्का सा गुनगुना था, और उस टाइम पे अगर आप इसको ग्राइंड कर देते हैं तो अच्छे से ये पूरा बारीक हो जाता है। जो कितनी गर्मी लग रही है, और चूरमा भी सिक रहा है। चूरमा को सेकने से क्या होता है ना, उसका एक एक दाना जो है ना वो अच्छे से सिक जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो सेकना बहुत ज़रूरी है। और आज का टेम्परेचर पता है कितना है दिल्ली में, 44 डिग्री। बताओ कितनी गर्मी है यार, सुनने की 48 तक जा सकता है आने वाले दिनों में, देखते हैं क्या होता है। दिन में तो ये समझो किचन में आने की हिम्मत होती नहीं है, और आजकल ना खाना खाने की भी हिम्मत नहीं है, डेली डेली एक जैसा खाना खा के बोर भी हो जाते हैं ना, लगता है कि चलो कुछ डिफरेंट बनाते हैं। तो बस इसलिए मैंने आज सोचा कि चलो दाल बाटी बनाते हैं। दाल बाटी क्या, मैं यहाँ पे रख जाऊंगी आराम से बैठूंगी और रोटी बनाने में थोड़ी सी गर्मी लगती है यार। तो ये सिक चुका है, इसको निकाल लेंगे, और इसके बाद इसमें डालेंगे चीनी, ड्राई फ्रूट्स, और उसके बाद इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाओ या फिर आप ऐसे खा लो, जैसे भी आपकी मर्जी। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से सेक लिया, इसका एक एक दाना सेक चुका है। और सेकने के बाद ना चूरमा के लड्डू का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ वापस से मैंने कढ़ाई रखी है, उसमें 2 चम्मच घी डाला है, और ये जो काजू बादाम हमने काटे थे ना, इनको भी हम यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो ऐसे ही डाल सकते हो, लेकिन फ्राई करके जो ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो इनको भी मैंने डाल दिए हैं, और यहाँ मैंने चीनी पीस ली है उसी मिक्सर जार में जिसमें हमने चूरमा को पीसा था। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, अगर आपके पास भूरा है तो भूरा डाल दीजिए या फिर चीनी पाउडर बना लीजिए। मैंने चीनी डाल के चीनी पाउडर बना लिया, और बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और अभी आप देख सकते हैं इसके हम लड्डू नहीं बना सकते हैं क्योंकि अभी ये इसमें घी बहुत कम है, ये लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर 1/2 कटोरी घी डाला है इसमें। चूरमा के लड्डू तभी बहुत अच्छे लगते हैं जब इसमें बहुत अच्छे से घी पड़ता है। आपने देखा होगा राजस्थान का जो खाना होता है वो अच्छे से घी से भरा हुआ होता है बिल्कुल। तो ये देखिए अब मैं इसके लड्डू बना के तैयार करूँगी, तो अब लड्डू इसके बन जाएंगे आराम से।
तो मैं इस तरह से थोड़े से बड़े ही बना रही हूँ क्योंकि घर में ही तो खाने हैं। छोटे छोटे लड्डू बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और लड्डू बनाते बनाते मुझे 1 घंटा लग गया था। चाहे छोटा काम हो, बड़ा काम हो, थोड़ा हो, बहुत ज़्यादा हो, काम टाइम पूरा लगता है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लड्डू बना लिए। लड्डू लड्डू बनाने में मुझे 1 घंटा लग गया है और चूरमा के लड्डू रेडी हो गए हैं। ये देखो मैंने इसमें ना इलायची पाउडर नहीं डाला क्योंकि मुझे इसमें इलायची का पाउडर पसंद नहीं है और थोड़ा सा ये बचा हुआ है। तो मैंने भगवान जी की आरती कर दी और भगवान जी को भोग भी लगा दिया है मैंने चूरमे का। ये देखो आरती हो गई है और ये गए हैं अब मंदिर आरती के लिए। उसके बाद आएंगे तो फिर तब तक मैं जो अपनी मिक्स दाल बना रही हूँ, मिक्स दाल बाटी के साथ अच्छी लगती है। तो आप चाहे तो अरहर की दाल भी बना सकते हो बट मैं बना रही हूँ ये देखिए मिक्स दाल। मिक्स दाल के साथ हरे धनिया की चटनी, वाओ। राइस का मन कर जाएगा तो लगा दूंगी, तुरंत बन जाते हैं। तो चलो बाकी के बचे हुए काम भी कर ही लेते हैं। यहाँ पे मैंने निकाली है मिक्स दाल क्योंकि बाटी के साथ ना मिक्स दाल बहुत अच्छी लगती है। और ट्रेडिशनली मैं आपको बता दूं बाटी के साथ में मिक्स दाल ही बनाई जाती है। तो यहाँ पे 5 तरह की दाल को मिला करके मिक्स दाल बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये इसको धो करके और मैं 10 मिनट के लिए ऐसे पानी डाल के इसको छोड़ दूंगी। और यहाँ मैंने चटनी के लिए रेडी किया है लहसुन मिर्ची टमाटर धनिया चटनी के लिए। और इसमें थोड़ा सा डालूंगी मैं अमचूर पाउडर, ये गया अमचूर पाउडर, बहुत अच्छा लगता है अमचूर पाउडर इसमें। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगी, ये गया नमक। और बस इसको अब हम पीस लेंगे। तो इस तरह से धनिया की चटनी बहुत टेस्टी बनती है, दाल बाटी के साथ अच्छी लगती है। तो बातों ही बातों में लो भाई हमारी हरे धनिया की चटनी भी तैयार है। अब हम आटा लगाएंगे बाटी के लिए। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी आटा लिया है, इसमें थोड़ी सी सूजी ऐड की है क्योंकि मेरा जो आटा है ना वो मोटा नहीं है। और इसमें 2 से 3 चम्मच डालूंगी बेसन। और इन तीनों चीज़ों को डालने से बहुत ही अच्छी बाटी बनती है। 1/4 चम्मच मैंने डाला है बेकिंग पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच डाल रही हूँ इसमें अजवाइन क्रश करके। और स्वाद के अनुसार डाला है नमक। और इसमें डालेंगे मोयन। तो मोयन जैसे कि मैंने आपको बताया अच्छे से बढ़ता है, तो ऐसे ही आप देख लीजिएगा मुट्ठी बना करके अच्छे से मुट्ठी बनती है तो मोयन एकदम परफेक्ट है। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं मोयन को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को, दाने दाने अच्छे से मिक्स होना हो जाने चाहिए। उसके बाद फिर हम इसका डो लगा के तैयार करेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पे भूल गई थी थोड़ी सी मैं हल्दी भी ऐड करूँगी। तो हल्दी आप डाल दें तो ठीक है, नहीं डालें तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हल्दी डालने से थोड़ा सा कलर अच्छा आता है बाटी का। और ये देखिए हमने डो लगा के अपना तैयार कर लिया है। तो इसका भी ना टाइट डो लगता है, लूज मत लगाइएगा। अब क्या करेंगे, छोटे छोटे जैसे हम रोटी के लिए लोई लेते हैं ना उसी तरह से लोई लेंगे और इस तरह से इसको गोल गोल करेंगे और हाथों से प्लस बनाएंगे जिससे इसमें थोड़े से क्रैक आ जाएंगे जब हम इसको गोल गोल करेंगे। तो इस तरह से बाटी अच्छे से अंदर तक सिकती है। और इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ आप बनाते जाइए और रखते जाइए। बाटी की शेप में गोल या फिर आप थोड़ा सा चपटा भी कर सकते हो। तो इस तरह से मैं सारी बाटी अपनी बना लेती हूँ, फिर चलते हैं गैस की तरफ। तो सारी बाटी मैंने बना ली है। यहाँ पे गैस पे मैंने कढ़ाई पहले ही रख दी थी प्री हीट होने के लिए। और कढ़ाई जो अच्छे से गर्म हो गई है इसमें एक एक बाटी हम इस तरह से जमा देंगे। तो एक बार में 7 से 8 बाटी आ गई है और इसको उलट पुलट करके आप देख सकते हैं सेकने लगी, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमें इसको सेकना है। तो मैंने बाटी पहले इसलिए रख दी है क्योंकि जब तक बाटी सिकेगी तब तक हम दाल वगैरह अपनी जो है वो तैयार कर लेंगे, बाटी को सिकने में टाइम लगेगा। तो मैंने कुकर में ऑयल डाला है, उसमें थोड़ा सा जीरा थोड़ी सी हींग डाल दी है और आप चाहें तो घी भी डाल सकते हो। मैंने सोचा कि बहुत सारा घी हो गया है इसलिए चलो दाल को ऑयल में बनाते हैं। यहाँ मैंने प्याज डाल दिया है और लहसुन डाल दिया है बारीक काट के। प्याज भुन चुकी है, इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और इसके बाद इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। और ये मैंने डाल दिया 2 टमाटर बारीक कटा हुआ। और इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा भुनने के बाद अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो ये डाल रही हूँ धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च रखी हुई थी निकली हुई तो मैंने डाल दी है, थोड़ी सी हल्दी डाली है और थोड़ी सी रेगुलर लाल मिर्च डाल रही हूँ तीखा करने के लिए। और सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे और इस तरह से दाल ज़रूर बनाएगा गाइस, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैं इसको डायरेक्ट ही छोंक देती हूँ, डायरेक्ट छोंको, बस मसाले को बहुत अच्छे से भून लीजिए, उसके बाद आपकी जो दाल है वो मज़ेदार बनेगी। ये चटनी का थोड़ा सा पानी रखा था मिक्सर जार को धोकर मैंने डाल दिया है। और ये हमने दाल भीगने के लिए रखी थी, दाल भी भीग चुकी है, ये दाल भी डाल दी। इसमें पानी डाल देंगे जितना आपको डालना है उतना, तो मैं बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनाऊंगी क्योंकि बाटी के साथ में थोड़ी सी गाढ़ी दाल ही अच्छी लगती है। और पानी डाल दिया जितना मुझे डालना था, उसके बाद इसमें डालेंगे नमक और बस कुकर को बंद कर देंगे। इसमें
तीन मैंने सीटी ली थी मीडियम फ्लेम पे और बहुत अच्छे से दाल बन के तैयार। सो गाइस दाल बन गई है, बाटी भी बन गई है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी किचन में जाके। और अभी मैं यहाँ पे सैलेड कट करने के लिए बैठी हूँ। और आप बोलते हो ना कि भैया से भी कोई काम कराया करो, तो भैया का पता है क्या काम रहता है? भैया काम रहता है कूलर और पानी। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोटा पीटा खा रहे हैं। अभी मैच खेल के आए, नहाए हैं, मंदिर गए थे, मंदिर से आए हैं, मंदिर से आरती करवा के, और अब लोटा पीटा खा रहे हैं यहाँ पे, खाने का इंतजार कर रहे हैं। और पता है आज का खाना बनाने में मुझे कितना टाइम लगा है? 2 से 2.5 घंटे लग गए हैं मुझे। पता है मैं 6 बजे किचन में गई थी ठीक, और अभी 8:30 बज रहे हैं, लेकिन फाइनली मेरी दाल बाटी बन गई, मुझे खुशी हो रही है। मुझे दाल बाटी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। चलो बाटी, मैं ना बाटी की जगह बाफले बना लेती थी, तो मुझे वो ज़्यादा ठीक लगते हैं, लेकिन मुझे बाटी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस अभी ये कूलर में पानी भरेंगे, तब तक मैं अपना यहाँ पे सैलेड कट कर लेती हूँ, फिर खाना लगाते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ पूरा खाना मैंने क्या क्या बनाया है। ये देखो काम चल रहा है इनका, काम चल रहा है भाई। मेरा कूलर आप सबको देखना था ना, ये वाला है हमारा कूलर। इसको पीछे से भरा जाता है। हाँ, इसका पानी भरने का सिस्टम पीछे से है, लेकिन ये कहीं से भी स्टार्ट हो जाते हैं। ये देख लो कहीं से भी, कहाँ से भर रहे हैं। और जब पानी को निकाल, ये किस लिए है? ये यहाँ से ना पाइप लगा के भी भर सकते हैं हम। हाँ देखो पानी भरने का ना यहाँ से सिस्टम है, लेकिन ये यहाँ से भी भर जाता है ना, इसलिए वो वहीं से डाल देते हैं पानी। तो इसमें 2 से 3 बाल्टी पानी बनता है ना, और पानी भर जाता है ना, तो ये यहाँ से, ये इसको एक मिनट रुकना, यहाँ पता चल जाता है कि पानी, हाँ पानी का लेवल यहाँ पे पता चल जाता है हमें। और ये ना हमारा ख़राब हो गया है, पहले चलता था ना तो ये गोल 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 घूमता था, लेकिन ये पता नहीं ख़राब हो गया है। एसी के चक्कर में नहीं चलता ना अभी हमारा कूलर, तो इस बार एसी लग नहीं पा रहा है, तो आज इसी का, अब इसी का नंबर आ गया है बेचारे का। हम सोच रहे थे ये पता नहीं कब चलेगा कब चलेगा, फाइनली ये इसका नंबर आ ही गया चलने का। ये सोच रहा था कि ये तो हमें भूल ही गए एसी आने के बाद क्या। लेकिन अब फील हुआ, सबका वक्त आता है, अब फील हुआ कि भाई कूलर भी है हमारे घर में, कूलर को भी हमें चलाना चाहिए। सब कुछ बेड पर आ जाता है, सैनिटाइजर वगैरह सब यहीं पर आता है, सैनिटाइज होते रहो बस। चलो अच्छा ब्रेक के बाद, ठीक है मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो मैं आपको बाटी दिखाने जा रही हूँ, बाटी जो है बन चुकी है। मैं उलट पलट करके इनको बनाए जा रही थी, और बहुत अच्छे से सिकी है सच में, मानोगे नहीं आप। ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको चूल्हे की आग पे सेका है, दिखाऊँ आपको बैक कैम से, है ना मस्त सिकी है। हर तरफ से मैंने इसको सेका है, कहीं से भी नहीं छोड़ा, किनारे विनारे इसके हर जगह से, इस तरह से उलट पुलट के मैंने सब जगह से अच्छे से सेका है कि ये कच्ची ना रहे। और बस इसको अब हम करेंगे घी में डिप, और उसके बाद खाएंगे दाल के साथ। तो चलो तो ये देखो दाल कितने अच्छे से पकी है, मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया और धनिया डाल दिया है। डायरेक्ट दाल चोखती हूँ ना तो इनको बहुत पसंद आती है, इसलिए अब मैं ना डायरेक्ट ही छोंकने लग गई हूँ। पहले बॉईल करो फिर अलग से तड़का लगाओ, तो अब मैं ऐसे ही छोंकती हूँ ना, बहुत ही टेस्टी दाल बनती है। ऊपर से घी डालेंगे अभी दाल में, और ये मैंने धनिया डाल दिया खूब सारा, और डाल दिया फ्रेश फ्रेश वाला धनिया, उस दिन मैं खेत से लेके आई थी ना वही वाला है। चलो दाल बन गई है, तो बाटी अच्छे से सीख चुकी है, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और आप देख सकते हो कितने अच्छे से बाटी चारों तरफ से बहुत अच्छे से सिकी हुई है, कहीं से भी जली नहीं है। यहाँ पे मैंने ली है एक कटोरी में घी, और इसको क्या करेंगे हाथों से थोड़ा सा क्रैक करेंगे जिससे घी इसके अंदर तक अच्छे से चला जाए, और इसको घी में डिप करेंगे, और इस तरह से डिप करके एक दो बार उलट पुलट करके इसको बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप भी एक बार बाटी ज़रूर बनाएगा, कढ़ाई में बहुत अच्छे से बाटी बन जाती है। मैंने पहली बार बनाई है लेकिन बहुत ही मस्त बनी है। और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप कुछ रेसिपी शेयर नहीं करते हो, कोई रेसिपी शेयर नहीं करते हो, तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ अच्छा बनाते हैं। क्या है ना गाइज, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आप सबको पता है किचन में जाने का किसी का भी मन नहीं करता है, और हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, खाने से बनाने से सबसे पहले हेल्थ भी ज़रूरी है हमारे लिए। तो मुझ पर जितना होता है उतना मैं
करती हूँ, तो आज चलो सोचा कि सब कुछ अच्छा सा बनाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि मैं यहाँ पे कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो ये है हमारा डिनर, मिक्स दाल है, चटनी है, राइस भी बनाया है मैंने, और चूरमा के लड्डू, बाटी, साथ में सैलेड है। तो आप सब भी आ जाइए हमारे साथ डिनर करने के लिए। और सच में गाइस, ये डिनर करने के बाद तो मेरे पति के मुंह से आहा निकला था, मैं सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो मैच खेलने गए थे, उनको नहीं पता था कि मैं दाल बाटी चूरमा बनाने वाली हूँ। उनके जाने के बाद मैंने प्लान किया था कि चलो मैं आज कुछ अच्छा बनाती हूँ। मैंने कमेंट देखा था और कमेंट देखने के बाद मुझे फील हुआ कि हाँ चलो कुछ ना कुछ तो मुझे भी यहाँ भी शेयर करना चाहिए, आप लोग यहाँ भी मुझे इतना प्यार देते हो। चलो तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, मॉर्निंग का ही टाइम है और आप धूप देख सकते हो कितनी तेज़ है बाहर। और मैं सारे घर के काम करके करने के बाद ही आई हूँ, नहा धो करके आई हूँ और जाने के बाद फिर से नहाऊंगी, क्योंकि मैं घर से सोच कर ही आई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और यहाँ पे देखिए मैं बाइक पर खड़ी हूँ अपना सामान लेके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो मैं मार्केट गई थी और सुबह सुबह ही चली गई थी घर के सारे काम करने के बाद, क्योंकि फिर गर्मी हो जाती है। तो ये देखिए दोपहर होने से पहले ही मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। तो मैं लेके आई हूँ यहाँ पे आम, सेब हैं और ये है अनार, और यहाँ पे है अंगूर, ये हैं केले, ये है कोकोआ पाउडर, और ये है स्वीट कॉर्न, कॉर्नफ्लोर, ये है चीज़, ये मैं मैक्स से लेके आई हूँ चीज़, और यहाँ पे लेके आया है ग्लूकॉन डी ऑरेंज फ्लेवर में, और इसके साथ ये बटर फ्री आई है। तो बस इतना ही सामान लेके आए हैं और बस। तो मार्केट से आने के बाद सबसे पहले मैंने सारे सामान को सैनिटाइज किया, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से जमा करके रखा है आप सभी को दिखाने के लिए। तो बस यही सब लेकर के आई हूँ। तो बाजार से आने के बाद हालत कुछ इस तरह से हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। आके मैंने जस्ट शावर लिया है और कपड़े चेंज कर लिए हैं अपने, दूसरे कपड़ों में आ गई हूँ मैं। और चलिए फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।